हाल चाल सत श्री अकाल। तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन अभी आने वाले हैं, किसी को भी अपने कॉम्पिटिशन की प्रैप करनी है तो हमारे को डीएम कर सकता है इंस्टाग्राम पे, टीम प्रिंस अग्रवाल के साथ जुड़ सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो ये गाइस देखो, ट्रांसफॉर्मेशन से सबकी पूरी वॉल भरी पड़ी है। लाइक वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर बॉडी बिल्डर्स एथलीट्स, तो उसको भी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। मेरा नाम है प्रिंस, आप देख रहे हैं मसल जोन व्हील्स। तो गाइस पहले तो बताओ ये जर्सी कैसी लग रही है, जर्सी टी शर्ट शर्ट जो कहना है कह लो, मैं चेक करा देता हूँ। सो ये अभी दी जा रही है ऑर्डर्स के साथ, और काफी हाई क्वालिटी की है और नाइक की है, एनएफएल लीग की है। तो जो भी ज्यादा ऑर्डर दे रहे हैं या जो पहले से जुड़े हुए हैं उनको ये फ्री दी जा रही है। उनकी हाइलाइट्स आप मेरे इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो। तो हम मेन टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। सो अच्छा तो मैं लग रहा हूँ। सो एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, हर एक घर में होती है, हर एक दूसरे घर में होती है हमारे इंडिया में, जो कि ज्वाइंट्स पेन, हड्डियों में दर्द, उठा बैठा नहीं जाता, चला फिरा नहीं जाता। और आजकल तो यंग लोगों में भी, जो 25-26 साल के हैं, 30 साल के हैं, उनमें भी ये दिक्कत आ रही है। हाथों में कट कट पट पट, घुटनों में ऐसे आवाज आती है, हैवी लिफ्ट नहीं कर पाते। बहुत सारे मेरे को क्वेश्चन आते हैं, भैया मेरे यहाँ कट कट की आवाज आ रही है, मेरे घुटनों में कट कट की आवाज आ रही है, स्क्वाट्स करते तब आती है, शोल्डर करते तब आती है, बाइसेप करते तब आती है, क्या दिक्कत है? हम कैल्शियम भी ले रहे हैं, हम विटामिन D3 भी ले रहे हैं, हम धूप में भी लेट रहे हैं, तब भी दिक्कत है। एजिड लोगों में तो होती है। चलो टाइम के साथ जब आप 40, 45, 46, 50 ऐसे जाते हो तो सप्लीमेंटेशन की नीड होती है, मगर आपकी एज अभी भी कम है, 25 साल, 26 साल, 27 साल, 35 साल, 30 साल, कोई एज नहीं होती थी, तब भी आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और हर दूसरे घर में आप किसी भी अपने यार दोस्त से पूछ लो, यार है तेरे को घुटनों में प्रॉब्लम, सांस चढ़ने की दिक्कत, ऐसी ऐसी, आपको हर दूसरा बंदा बोल देगा यार हाँ है तो सही। तो उसका इलाज रामबाण जो भी स्पेशली जो एथलीट्स हैं उनको होती है, चाहे वो पावर लिफ्टर्स हो, स्पेशली पावर लिफ्टर्स, कबड्डी प्लेयर, या जो ऐसे एथलीट रेसलर्स जिनको पावर स्ट्रेंथ स्टेमिना की गेम रहती है, उठकना पटकना, दौड़ना भागना और प्रैक्टिसेस करना, दो दो तीन तीन घंटे, डाइट भी ले रहे हैं, रिकवरी भी अच्छी हो रही है, पर फिर भी उनको वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, उनके लिगामेंट्स में दर्द है, बोन्स में दर्द है, जॉइंट उनके वीक्स हैं, टेंडन्स उनके वीक्स हैं, लचकपन नहीं है उनकी बॉडी में, अकड़ी अकड़ी सी बॉडी रहती है। तो उन सब का इलाज जो सुपर सप्लीमेंट है, सो अब आ गया है एपिजेनिन। तो ये ब्लर हो रहा होगा तो मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, ये एपिजेनिन है, ये type 1 और type 3 कोलेजन है। इसके बेनिफिट्स मैं नहीं बताऊंगा, आप गूगल करो type 1 कोलेजन बेनिफिट्स पहले गूगल करो, उसके बारे में आप देखो type 1 कोलेजन क्या करता है, type 2 कोलेजन क्या करता है, type 3 कोलेजन क्या करता है। type 1 कोलेजन के अलग काम है, 2 के थोड़े अलग काम है, 3 के और अलग काम है। तो आपको इंडिया में ऐसी चीज नहीं मिलेगी जिसमें type 1 कोलेजन भी हो, type 3 भी हो। तो इसमें type 1, type 2, type 1 और type 3 दोनों है, और 2000 mg की है, और 200 टैबलेट्स होती है इसके अंदर। तो 100 दिन ये चलता है, ये इतना था, 100 दिन चलता है। मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी बुआ चाची फूफा आस पड़ोस पड़ोसन जिसको भी दिक्कत है ना, एक बार ये यूज करवाओ, 10 दिन उनको टैबलेट दे दो अपने डब्बे में से ही। एक मैं होल्ड करो, हाँ तो 10 दिन आप ये टैबलेट दे दो अपने इस बॉक्स में से, और फिर उनका रिजल्ट देखना, वो कहेंगे भाई क्या चीज दी है तुमने, हमारे हड्डियों में दर्द नहीं हो रहा, कटकट नहीं हो रहा, मैं बैठ पा रही हूँ, उठ पा रही हूँ, चल पा रही हूँ। क्योंकि ऐसे ऐसे मैंने केसेस देखे हैं इसको यूज करवाने के बाद, जिनकी मदर है, फादर है, वो चलने फिरने में दिक्कत होती थी, उठने बैठने में दिक्कत होती थी, हमारे इंडिया में इंडियन गो होते हैं, इंडियन टॉयलेट्स होते हैं, वहाँ नहीं बैठ सकते थे लोग, अब फिट है। 2 महीना इसको महीने यूज करा, डेली कहते हैं भैया मेरे पापा तो सुबह भी सैर पे जाते हैं, रात को भी खाना खा के वॉक पे निकल जाते हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये प्यार है हमारा और आपका, जो कि ये जो फीडबैक मिलते हैं ना कि भैया मेरे पापा ठीक हो गए, मेरी मदर ठीक हो गई, या मेरी कोई आंटी ठीक हो गई, या मेरे को कोई इंजरी थी, मैं पैसे दे दे के परेशान हो गया था डॉक्टर्स को, और कंसल्ट कर करके फिजियोथेरेपी ले रहे के, वही फालतू की एक्सरसाइज करवा रहे हैं, बॉल्स दबवा रहे हैं, और मेडिसिन दे दी है, और हर हफ्ते बाद 4 दिन बाद क्लासेस में 1500-1500 रुपये मैं दे रहा हूँ। ये चीज़ है,
आपके अगर ज्वाइंट वीक है, बोन वीक है, ठीक है, आपने सब ट्राई कर लिया, आपके लिगामेंट्स वीक है, टेंडन्स वीक है, आपको प्रॉब्लम होती है लिफ्टिंग में, चलने में, फिरने में, दौड़ने में, ये रामबाण इलाज है। और जो एथलीट्स हैं इसके साथ कॉम्बिनेशन में NK677 ले सकते हैं, ये ग्रोथ है, ये आपकी बॉडी को ग्रोथ देगा, ग्रोथ हॉर्मोन है, लिगामेंट इंजरी से बहुत आपको बचा के रखेगा और इंजरी आपकी रिकवर कर देगा। फिर अभी एक बार कंधा उतर गया था तो सिर्फ मैंने ये यूज़ नहीं किया था पानी, तो सिर्फ NK677 यूज़ किया था और मेरी इंजरी एक पहलवान के पास गया, मैंने मसाज करवाई, उन्होंने ऑयल दिया, वो यूज़ करा, ये यूज़ करा, 15-20 दिन में ठीक हो गया और बॉडी भी आप देख रहे हो कितनी अच्छी हो रखी है। लिफ्टिंग तो मैं करता ही अच्छी हूँ, 200 किलो मैं डेड लिफ्ट लगा लेता हूँ, 140-150 में बेंच लगा लेता हूँ, शोल्डर प्रेस में मैं लगा लेता हूँ 80-90 किलो, कोई दिक्कत नहीं आती। तो जिनको भी इंजरी है, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को इंजरी जरूर होती है लाइफ में, चाहे वो पावर लिफ्टर हो, क्रिकेट प्लेयर हो, बैडमिंटन खेलता हो, स्विमर हो, इंजरी होगी ही होगी, कहीं ना कहीं चूक होगी ही होगी। तो आपके लिए स्पेशली ग्रोथ हार्मोन और इपिग्मा, इपिग्मा तो आप यूज़ करो एज अ सप्लीमेंट, मगर जब आपको इंजरी हो, इंजरी से आपको जल्दी रिकवर करना है, आपको गेम में वापस जाना है और आप नहीं बैठ सकते 6-6 महीने बेड रेस्ट पे, ठीक है, ये यूज़ करके देखो, फैन हो जाओगे आप, कहोगे भाई प्रिंस भाई आपने क्या चीज़ बताई है, अल्टीमेट चीज़, बेचने की नहीं, किसी मर्जी से लो, जिस मर्जी से लो, यूज़ करके देखो, फीडबैक लो, किस तरीके कैसे यूज़ करते हैं वो पूछ सकते हैं उनसे कि भैया ये दोनों चीज़ें हमारे पास, यूज़ कैसे करें वो भी बताया जाएगा। कोई और दिक्कत हो डॉक्टर से भी कॉल करवाई जाएगी कि आपको नंबर दे दिया जाएगा डॉक्टर का, डॉक्टर आपको कॉल कर लेगा कि हाँ जी सर बताइए, पर कोई उसकी फीस वीस नहीं है। अगर आपको जेन्युइन प्रॉब्लम है और जेन्युइन आप चल रहे हो, बाकी फुदू लोग बहुत आते हैं मुफ्त के, मगर उनको नहीं, जेन्युइन अगर आपकी प्रॉब्लम है तो 110% प्रिंस गरेवाल और उनकी टीम उसको आपको सोल्यूशन देगी और सॉल्व करेगी, ठीक है। इसके साथ अगर आपको और मेजर इंजरी हुई है और वो रिकवर नहीं हो पा रही है तो हुमा का जॉइंट फ्लिक्स आता है, तो वो भी बड़ी रामबाण चीज है। अभी एक डॉक्टर साहब ने अपनी मदर को दिया है और विद इन 4 डेज उनके फीडबैक आ गए हैं। बाकी एक मैंने एथलीट को भी दिया है, वो यहीं के हैं हमारे, बहुत अच्छे, मतलब नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल प्लेयर हैं, उनके पास बहुत मेडल्स हैं, उनका मैं नाम नहीं ले सकता, बट उन्होंने भी अभी एक दो चीज़ें यूज़ करी हैं और वो बता रहे हैं प्रिंस भाई कदल नेक्स्ट लेवल, वो मतलब 200 किलो मैं मारता हूँ मेरी जान निकल जाती है, वो 200 किलो टच करके निकल जाते हैं एकदम स्मूथ। तो ऐसे ऐसे बंदे हैं जो ये हमारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, नेक्स्ट लेवल रिजल्ट आ रहे हैं और मेडल्स पे मेडल आ रहे हैं, वाहवाही पे वाहवाही हो रही है और चर्चे पे चर्चा हो रही है। तो ये कुछ 3 चीज़ें हैं जो सुपर सप्लीमेंट्स हैं और पेप्टाइड्स हैं जो आपको ज्वाइंट, बोन वीक है आपकी, ज्वाइंट वीक है, लिगामेंट्स वीक है, टेंडन्स वीक है, आपको प्रॉब्लम आती है इन चीज़ों में, चाहे आपके फादर हो, मदर हो, वाइफ हो और अंकल आंटी हो, दादा दादी हो, ये तो है ही सप्लीमेंट, ये तो घर में होना ही चाहिए, ठीक है। बाकी NK677 ग्रोथ हार्मोन के लिए, एथलीट्स के लिए, ठीक है, आप दे सकते हो, साथ में हुमा का जॉइंट फ्लिक्स है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको भी जॉइंट की प्रॉब्लम है, टेंडन्स की प्रॉब्लम है, लिगामेंट में प्रॉब्लम है, बोन्स वीक है, इंजरी हुई है, किसी भी तरीके की इंजरी हुई है, एक्सीडेंट हुआ है या स्पोर्ट्स में कोई इंजरी हुई है, लिफ्टिंग करते हुए कोई इंजरी हुई है, भागते हुए गिर गए हो, कुछ भी हो, तो ठीक नहीं हो रही, चाहे वो कमर में हो, लोअर बैक में हो, आपके डेल्ट्स में हो, ट्रैप्स में हो, आपके घुटनों में हो, आपके ग्लूट्स में हो, कहीं पे भी हो, वो ठीक हो जाएगी विद इन 1 महीने से लेकर 3 महीने के टाइम में सॉल्व। आपको कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल वर्कआउट करो, हल्की हल्की एक्सरसाइज करो, वॉक करो, रनिंग करो, न्यूट्रिशन पे ध्यान रखो, न्यूट्रिशन हमेशा अच्छा होना चाहिए और आप साथ में कोई सब्सिट्यूट ऐड करो, सप्लीमेंट्स ऐड करो और आपको 110% रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट में कुछ पूछना तो पूछ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यहाँ तक वीडियो आपने देख लिया तो, और ऑर्डर करते रहो, अच्छे अच्छे गिफ्ट उठाते रहो, टीम प्रिंस गरेवाल के साथ जुड़ो और हमें भी ग्रो कराओ और आप भी ग्रो करो। तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय, टेक केयर, सब कुछ ठीक है।